ओम शांति। आज की तारीख है 1/12/21 और आज की ज्ञान मुरली में मीठे मीठे बाप दादा ने विषय विकारों के विषय में हम बच्चों को समझाते हुए क्रोध क्या है, कैसा है और क्रोध को जीतना क्यों अनिवार्य है वह बात समझाते हैं। तो आइए समझते हैं और सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। जैसे गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, अगर संभल कर फूल नहीं उठाया तो कांटे लगते हैं, फिर वो चुभते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं क्रोध भी ऐसा ही है, तो क्रोध से स्वयं को बचाएं। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत देते हैं, यानी धैर्य देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, ये विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे, तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है जिसमें फूलों को रखा जाता है, ऐसे फ्लावर पॉट में डाला है। माया भले मुरझा देती है लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, तो ये बीज विनाश हो नहीं सकता। गीत बजा है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, बहुत बहुत निडर बन, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। क्रोध का कांटा बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। उस कांटे को अगर छोड़ दिया, क्रोध पर अगर विजय प्राप्त कर ली, तो हम सभी के बहुत बहुत प्यारे बन जाएंगे। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान सतगुरु बाबा का, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा, माना अंदर की तीव्र इच्छा, तो उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि सदा एक रस उमंग और उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो, हर समय उससे गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते हो और सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुणों को देखने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।